हाँ इसको टच करना, ये ऑन हो गया। यहाँ से सेल्सियस अप होगा, यहाँ पे टच करेगी तो डाउन होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में, ठीक है। एंड गाइस आज है 2 मई, ठीक है, एंड आज मम्मी का बर्थडे है। एंड इस बेवकूफ ने हमारा सारा प्लानिंग खराब लगता है कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अभी मम्मी आई थी एंड गिफ्ट वगैरह, वैसे अभी मम्मी को ये नहीं पता कि गिफ्ट क्या है, ठीक है, तो हमने कल ही मम्मी के लिए गिफ्ट ले लिया था। एंड चलो अभी देते हैं सरप्राइज, इसने कबाड़ा तो आधा कर ही दिया है, ठीक है, लेकिन हाँ मम्मी को ये नहीं पता है कि गिफ्ट क्या है। हाँ मम्मी को ये तो याद होगा कि आज मेरा बर्थडे है, मम्मी को ये याद होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, लेकिन चलते हैं देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एंड आप लोग कंटिन्यू बने रहो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड अभी आपको भी नहीं पता क्या गिफ्ट है, तो बस बने रहो व्लॉग में, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। चले खोलने की करना पता चलेगा। जो मैं क्या बताऊंगा, पूरा टच वाला स्क्रीन टच, ये सब कैसा लगा? हाँ इसको टच कर लो, ये ऑन हो गया। यहाँ से सेल्सियस अप होगा, यहाँ पे टच करेगी तो डाउन होगा, और यहाँ से अलार्म लग जाएगा, 10 सेकंड का लगा हुआ है अभी, इसको ऑफ कर देते हैं। ये ऑफ हो गया ऐसे, गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने इसे, ये पता नहीं 1400 डिग्री सेल्सियस से मैंने आज तक इसे यूज़ नहीं किया, क्या लिखा हुआ आप बताना, जो जो लोग यूज़ करते हैं इंडक्शन को। यहाँ से हम इसको कम कर पा रहे हैं, पूरा ये टच से है, ठीक है। एंड चीज़ तो बहुत अच्छी है, बिस्तर के ऊपर रख कर भी खाना बनाया जा सकता है, क्योंकि इधर उधर से ज़रा भी हीट नहीं होता है। गाइस यहाँ पे मम्मी को गिफ्ट तो दे दिया, ठीक है, एंड मम्मी को पहले पता नहीं था, मम्मी अचानक से मतलब चाय लेके, इसी तरह का हमारा डेली रूटीन है, हम लोग सुबह कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उस टाइम गिफ्ट रैप कर रहे थे, ठीक है, तो वैसे ही मम्मी को पता नहीं चलता कि, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ डेली करते रहते, आज कोई स्पेशल डे नहीं था जब हम कुछ कर रहे थे, ठीक है, तो ये फालतू में डांस कर रहा था, ठीक है, मम्मी के आगे जाके करता, नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, तो मैंने कहा लगता है इसने कर दिया का बड़ा, लेकिन पता नहीं चला, पता चल जाता थोड़ी देर में, ठीक है, बच गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर मम्मी चाय लेके आती तो हमने डायरेक्टली सरप्राइज कर दिया, ठीक है। मम्मी को गिफ्ट बहुत पसंद आया, देखो हमने वो पता है क्यों लिया, क्योंकि मम्मी काफ़ी टाइम से कह रही थी कि हम मुझे एक इंडक्शन लेना है, ठीक है, तो हमने पर लेती ही नहीं थी, आपको पता है घर में खर्च हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो हमने कहा कोई बात नहीं इस बार हम ले आते हैं, ठीक है, बर्थडे गिफ्ट भी हो जाएगा और फिर मम्मी की ये भी विश भी पूरी हो जाएगी, ठीक है, तो बस ले आए हम लोग। एंड अपने पैसों से कभी पेरेंट्स को गिफ्ट देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स ने बचपन से हमें बचपन से गिफ्ट दिए हैं, ठीक है, इतना बड़ा हम ही गिफ्ट हैं, ठीक है, हमें जीवन दान दिए, यही बहुत बड़ा गिफ्ट है, और भी कोई कमी छोड़ी नहीं है, तो हम जब कैपेबल हो गए हैं कुछ देने के लिए तो हम भी दे सकते हैं, ठीक है, तो बस दे दिया। एंड अभी तो बहुत ये हमारे तरफ से छोटा गिफ्ट है, हम सोचते हैं काश हम कुछ बड़ा दे पाएं भविष्य में, ठीक है, आगे जाके कुछ बड़ा करके देखेंगे, देखते हैं आपका प्यार रहेगा तो हम कुछ ना कुछ बड़ा बड़ा गिफ्ट भी दे पाएंगे, ठीक है, तो चलो आप लोग अब कंटिन्यू बने रहो, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और आप लोग भी अगर कैपेबल हो तो मम्मी पापा को गिफ्ट ज़रूर दो, ठीक है, चाहे उन्हीं के पैसे से दे दो, उनको खुशी होती है, ठीक है, इसीलिए, लेकिन अपने पैसे से दोगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है, तो चलो अब अंदर चलते हैं और आज का डेली रूटीन कंटिन्यू करते हैं। मम्मी के लिए चॉकलेट लेकर आए थे, मम्मी ने एक ही पीस खाई, हम सारा चाट के चॉकलेट पिघल गया था, तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ विश तो हमने कर दिया, अब चलते हैं और आज के दिन को कंटिन्यू करते हैं। गाइस यहाँ पे अब हम आप कार चलाकर दिखाते हैं, एंड ये एक नया वर्जन अनलॉक हुआ है, ठीक है, देखो यहाँ पे हम इसको इतना ज्यादा यूज करते हैं ना इसलिए, एंड यहाँ पे देखो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, मतलब पहले से बहुत ज्यादा स्पीड है, आपको इसको एक बार दिखाता हूँ बढ़िया से,
गाइस अभी अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं इसी तरह से इंडक्शन के बगल में। हाँ। अभी देखो इसको लगाने का कोई तरीका ही नहीं है क्योंकि हमने जो किचन है उसमें हमारा कोई भी स्विच बोर्ड नहीं है, वहाँ पे फिटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, सेटअप करना। एंड इसकी जगह तो बहुत अच्छी है, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा फिट करके। ठीक है, ये हमने कार चार्ज में लगा दिया, चार्ज नहीं थी तो और चला कर दिया। इसके मैक्सिमम स्पीड नहीं थी एंड ये बहुत ज्यादा तेज चलने लग गया है पता नहीं कैसे। एंड इसके अंदर लोहे के गियर्स दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब ब्रांड ने पैसे लिए तो मतलब गियर्स तो दिए भाई साहब, मतलब ऐसा गियर नहीं। एंड ये कभी खराब नहीं होगी, प्लास्टिक के गैस होते हैं ना वो घिस जाते हैं, लेकिन इसमें लोहे के गैस दिए। मैंने उस दिन खोल कर चेक किया था क्योंकि अंदर चुल मची रहती है ना कि खोलना है, तो मैं इसको खोल ही डाला। तो ये इसकी काफी अच्छी बात है। हाँ, तो चलो अब जल्दी से अब आगे काम करते हैं, देखते हैं आज के दिन में और क्या क्या करना है। अभी वीडियो भी मेन चैनल की कोई बनानी है। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया, मेन चैनल का रीच डाउन कर दिया यूट्यूब ने। यूट्यूब का दिमाग भी पता नहीं कैसा है, घूमा ही रहता है। मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही तो रीच डाउन किया था और थोड़े दिन से अप चल रहा था चैनल, फिर से डाउन कर दिया। कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं और बाकी देखते हैं आगे क्या करना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो म्यूजिक ऑन पड़ा हुआ है, अभी आवाज कम कर दी। देखो क्या हो रहा है, यहाँ देखो क्या हो रहा है, इंडक्शन के ऊपर फोन है। एंड यहाँ पे अब मैं अपने कल की अधूरी ड्राइंग कंप्लीट करने जा रहा हूँ और आज हमें कुछ करना भी पड़ेगा। देख सकते हो ये, आपको पता चल रहा है ना कौन है ये, कौन कमेंट करके बताओ जल्दी, हमें भी शायद नहीं पता ना। हाँ, एंड चलो अब जल्दी से इस ड्राइंग को मैं कंप्लीट करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो फाइनली पिक बन के रेडी होगी। कमेंट बॉक्स में भर दो जल्दी से कि ये किसकी पिक है, और मुझे पता है कि आप लोग जानते हो। ठीक है, तो फटाफट भर दो कि ये किसकी पिक है। एंड चलो बाकी व्लॉग भी कंटिन्यू बने रहो और देखते दिन का शेड्यूल अब क्या होने वाला है। तो गाइज इस वक्त 1 बजने ही वाले हैं। ठीक है, एंड हम लोग को लगभग बहुत सारे काम कर लिया, कार चला लिया। ठीक है, एंड हमने बर्थडे भी यहाँ पे हो गया जो होना था। ठीक है, इतना कुछ दिखाना था, दिखा। हाँ, और अभी भी और भी पूरा दिन बचा हुआ है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी देखो यार मेन चैनल की वीडियो बनानी थी। सबसे पहले तो इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है कि मेन चैनल की वीडियो बनाने में रोज दिमाग खराब होता है। ठीक है, अब बनाने के लिए मोटिवेट हो भी कैसे, व्यूज भी तो नहीं आ रहा जो हम गर्मी में जाए बनाने के लिए इतनी मेहनत के हम लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन फिर भी, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं बनाया तो कल बना लेंगे। आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, अभी कुछ देखते हैं मूवी वगैरह कुछ देख लेते हैं, थोड़ा सा दिन में एंजॉय भी होना चाहिए। ठीक है, डेली वीडियोस ही बनाते हैं हम लोग, डेली मेहनत करते हैं, एक दिन छुट्टी भी मारनी चाहिए। तो चलो फिर आप लोग कंटिन्यू बने रहो और देखते हैं चैनल कब ठीक हो जाता है। हमारा तो भाई काम है वीडियो बनाना, काम तो करना ही है, चाहे अप जाए चाहे डाउन जाए। चलो फिर कंटिन्यू बने रहो व्लॉग में। तो गाइस हमने अपने वादे के अकॉर्डिंग यहाँ पे मूवी देख ली डोरेमोन की। एक एक डोरेमोन का एपिसोड बना था, पूरा 1.5 घंटे से भी ज्यादा का एपिसोड है, 1.5 घंटे का एपिसोड है। हाँ, तो वो एक एपिसोड टाइप से ही है और उसमें पूरा डोरेमोन की जो पूरी कहानी है वो एकदम शॉर्ट में आपको पूरी तरह से बता दी गई है। एंड बहुत ज्यादा इमोशनल स्टोरी है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने देखी होगी नोबिता स्टैंड बाय मी, स्टैंड बाय मी नोबिता। ठीक है, जिन लोगों ने देखा है ना यार, क्या बात है यार, देखा दिल है, कमेंट करके बताओ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखो, चाहे डोरेमोन देखते हो नहीं देखते हो, वो स्टोरी ना आपको, मतलब एक बच्चे की स्टोरी है जिसमें एक बेवकूफ बच्चा है, उसके लिए फ्यूचर से एक रोबोट आता है। ठीक है, एंड वो लोग आपस में इतना ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि जब लास्ट में वो छोड़कर जा रहा होता है तो बहुत ज्यादा मतलब अंदर से दुख होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ ऐसे ही है, और वो थोड़ा अच्छे से बनाया गया 3D में, तो वो बिल्कुल कार्टून जैसा ही लगेगा, वो थोड़ा रियलिस्टिक टाइप का उसमें जो एनिमेशन है। ठीक है, तो चलो हम लोग अब नहाने जा रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं और देखते हैं ब्लॉग कहाँ तक बना। तो गाइस इस वक्त 3 से ऊपर टाइम हो चुका है। ठीक है, एंड 3:30 से ऊपर टाइम हो चुका है और हम अभी तक नहीं नहाए हमने, क्योंकि हमारे कपड़े ही नहीं सूखे अभी तक, कपड़े हमने धोए नहीं हमने धोए नहीं थे अभी, धोके धोन डाले सूखे ही नहीं है, जब धोओगे नहीं तो पहनोगे क्या तो इसीलिए तो अभी ना थोड़ी देर में, बस गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो अब आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे नहा धोके। ठीक है, फिलहाल हम जा रहे हैं एंड आप लोग अब क्या ही बने रहोगे कंटिन्यू, है ना, हमारे जैसे लोगों का क्या ही वेट करोगे। तो चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और मज़ा आया होगा ना, मज़ा आया तो सब्सक्राइब कर लो ना, फिर नेक्स्ट भी तो मिलना है ना। चलो फिर आज के व्लॉग में ही थे, तब तक ले गुड बाय।